तुमने अपने बचाव के लिए वकील करने से इनकार क्यों किया? रजनी, मैं ये मुकदमा नहीं लड़ना चाहता। सच्चाई है कि मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी के लिए कोई भी लड़े। प्रभात, मैं कोई नहीं हूं, मैं रजनी हूं, तुम्हारी जिंदगी और तुम मेरी जिंदगी हो। हमारी जिंदगी का फैसला तुम अकेले नहीं कर सकते। मैं ये मुकदमा लड़ूंगी, तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकते। आई विल फाइट फॉर योर लाइफ। Your Honor, ये केस बिल्कुल साफ है। देखने में सीधा साधा लगने वाला प्रोफेसर प्रभात कुमार वर्मा दरअसल एक बहुत खतरनाक आदमी है। ये दिन में बच्चों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाता और रात में पिस्तौल लेकर ऐसे निकल पड़ता जैसे शैतान बच्चे गुलेल लेकर चिड़िया मारने निकल पड़ते हैं और जब जैसे चाहते हैं मार डालते हैं। प्रभात वर्मा को आज कर रॉबिनहुड बनने का शौक था। इस शौक को पूरा करने के लिए, अपनी बहादुरी के डंके बजवाने के लिए इन्होंने 10 दिनों में 14 खून करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। योर ऑनर, ये सारे खून शौक और शोहरत के लिए सोच समझकर ठंडे दिल से किए गए हैं। जिस आदमी की नजरों में दूसरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, उसे तो खुद भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। प्रभात कुमार वर्मा अपने जुर्म पर इकबाल कर चुके हैं, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या आप अपने जुर्म का इकबाल करते हैं? जी हाँ। योर ऑनर, माफी चाहती हूँ, मगर जब से अदालतें बनी हैं, तब से हर मुलजिम से यही सवाल पूछा जाता है जिसका कोई मतलब नहीं, जो नहीं पूछा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रोफेसर प्रभात वर्मा आपसे ये कहें कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, तो क्या आप उनकी बात मानकर उन्हें छोड़ देंगे? योर ऑनर, अदालत के इस कटहरे में प्रोफेसर प्रभात वर्मा इसलिए खड़े हैं कि असलियत का पता लगाया जा सके, ये साबित किया जा सके कि ये अपराधी हैं या नहीं। और सरकारी वकील साहब ने अभी तक कोई भी ऐसा गवाह या सबूत पेश नहीं किया है जिससे ये साबित हो सके कि प्रोफेसर प्रभात वर्मा ने एक भी खून किया है। योर ऑनर, ये शख्स इतना चालाक है कि इसने आज तक कोई सबूत छोड़ा ही नहीं। ऐसा आतंक फैला रखा है कि शरीफ तो शरीफ, गुंडे तक इसके नाम से कांपते हैं। जिस किसी ने इसे गोली चलाते देखा वो जिंदा नहीं बचा, और जो दो चार बच गए हैं वो इसे पहचानने से इनकार करते हैं, डरते हैं। जिस आदमी को कोई पहचानता नहीं, जिसका पता शक्ल कुछ मालूम नहीं, जिस पर किसी को शक तक नहीं, वो आदमी अपने आप को कानून के हवाले करता है, अपनी मर्जी से इस कटहरे में आकर खड़ा हो जाता है। योर ऑनर, अगर प्रोफेसर वर्मा से कुछ पूछना है तो ये पूछिए कि ये इस कटहरे में आकर क्यों खड़े हुए, इन्होंने अपने आप को कानून के हवाले क्यों किया। प्लीज योर ऑनर। क्या आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जज साहब, मैंने अपने आप को कानून के हवाले इसलिए किया है कि मेरी लड़ाई एक आदमी की जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं है। सवाल यह नहीं है कि मुझे सजा होगी या नहीं, सवाल यह है कि हमारे देश के लोग आराम से जिंदा रह सकेंगे या नहीं। आज इस देश में क्या हो रहा है? कानून कहां है? लॉ एंड ऑर्डर कहां है? जहां देखो वहां गुंडों का राज है, अराजकता है, बलात्कार ही बलात्कार है, कभी किसी अबला का, कभी सारे समाज का, गली गली में इंसानियत का खून हो रहा है, हमारी आजादी का खून हो रहा है, और हम चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। पुलिस कुछ करना नहीं चाहती, कानून कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए मुझे पिस्तौल उठानी पड़ी। मगर एक जुर्म को हटाने के लिए दूसरे जुर्म का सहारा तो नहीं लिया जा सकता? अगर पुलिस की गोली से कोई अपराधी मारा जाए तो उसे जुर्म नहीं कहा जाता जज साहब, पुलिस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता। मैंने वही किया है जो पुलिस को करना चाहिए था और उसने नहीं किया। कानून शिकनी के बढ़ते हुए तूफान को रोकने के लिए मैंने एक और तूफान का सहारा लिया। आज अगर इस शहर में अमन और शांति है, लोग आजादी से चल फिर रहे हैं, जिसकी वजह वो तूफान है, वो डर है। मैं मानता हूं कि मैंने खून किए हैं, लेकिन दोष मेरा नहीं है, दोष कानून का है। आज इस कटहरे में मुझे नहीं, कानून को होना चाहिए था। लेकिन कानून को कैसे बुलाया जा सकता है? बुलाया जा सकता है योर ऑनर, मैं इस अदालत में कानून को पेश करने की इजाजत चाहती हूं।
मैं समझा नहीं। मैं जस्टिस वीवी देशमुख को इस अदालत में एक गवाह के रूप में पेश करना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता, एक जज को अदालत के कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे देश में कानून की हिफाजत के लिए प्रधानमंत्री को भी बुलाया जा सकता है। मगर जस्टिस देशमुख का इस केस से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है योर ऑनर। ऐसा होता तो नहीं है, फिर भी जस्टिस देशमुख को अगर कोई एतराज ना हो तो मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जस्टिस देशमुख, आपको पिछले नवंबर की 20 तारीख याद है? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन आपकी अदालत में एक बलात्कार और खून का केस आया था। ऐसे केस तो रोज आते हैं, उसमें याद रखने की क्या बात है? बात यह थी कि मुलजिम सुरेश ठाकुर एक अमीर आदमी का भतीजा था और उसकी गवाही देने दिल्ली से एक मंत्री महोदय तशरीफ लाए थे, याद है? हाँ, याद आ गया। तो आपको यह भी याद होगा कि आपने उसे बाइज्जत छोड़ दिया था। याद है। पूछ सकती हूँ क्यों? मैं सवाल का जवाब देने से इनकार करता हूं। किसी जज से उसके दिए हुए फैसले पर सवाल नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मैं ये तो पूछ सकती हूँ कि क्या सुरेश ठाकुर को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया था कि उसकी गवाही एक मंत्री ने दी थी? मिस देशमुख, योर ऑनर, मैं तो सिर्फ वही कह रही हूँ जो इस केस की प्रोसीडिंग्स में लिखा है। ये रही उसकी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि लाश के नाखूनों में सुरेश ठाकुर के बाल और खून की बूंदें पाई गई। लीजिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ जस्टिस देशमुख कि इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? मैं एक बार पहले भी आपसे कह चुका हूँ मिस देशमुख कि जज के दिए हुए फैसले पर बहस नहीं की जा सकती। मैं बहस कहाँ कर रही हूँ योर ऑनर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि खून और बाल वाली बात सच है या नहीं। खून और बालों वाली बात सच हो या ना हो, लेकिन एक मंत्री ने इस बात की गवाही दी थी कि वारदात के दिन सुरेश ठाकुर उनके साथ दिल्ली में था। दिल्ली जाना और मंत्री की गवाही बनाई जा सकती है, लेकिन खून और बाल नहीं। एक जिंदा आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन मुर्दे झूठ नहीं बोलते। योर ऑनर, उस लड़की की लाश पुकार पुकार कर कह रही थी कि सुरेश ठाकुर ने उसका बलात्कार किया है, उसकी हत्या की है, लेकिन उसके बाद भी उस लाश की सच को नजरअंदाज कर एक मंत्री के झूठ को सच मान लिया गया। क्या वजह थी उसकी? मैं पूछ सकती हूँ क्यों? आई स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट टू दिस योर ऑनर। मैं किसी को भी अपनी ईमानदारी पर शक करने की इजाजत नहीं देता। यू मस्ट विदड्रॉ द एलिगेशन। योर ऑनर, मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है, मैंने वही कहा है जो सच है, और सच यह है कि सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी का बलात्कार किया, उसका खून किया और उसकी लाश पर इस बात के सबूत भी पाए गए, लेकिन उसके बाद भी उसे छोड़ दिया गया। जस्टिस देशमुख, पिछले नवंबर की 20 तारीख को आपने एक अपराधी को बाइज्जत छोड़कर इंसाफ को सजा दी थी, उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया था। मिस देशमुख, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप चाहे मुझे भी फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, लेकिन आज मैं ये पूछने से बाज नहीं आऊंगी कि उस दिन आपने गलत इंसाफ क्यों किया, क्या कारण था उसका। Stop it now. जस्टिस देशमुख, उस दिन जब आपने फैसला सुनाया था, आप एक जज थे, कानून और उसके कायदे में जकड़े हुए थे, कानून की रक्षा करना आपका फर्ज था, लेकिन आज आज आप पर कोई बंधन नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आज आपने गीता पर हाथ रखकर सिर्फ सच बोलने की कसम खाई है। आज ये गीता आपके आत्मा से पूछ रही है कि उस दिन कानून की रक्षा करते करते कहीं इंसाफ का खून तो नहीं हो गया था? उस दिन आपके दिल में कानून और इंसाफ के बीच कहीं महाभारत तो नहीं चल रहा था? बोलिए। एक जज के दिल में ये महाभारत हमेशा होती रहती है, और कभी कभी वो कानून को बचाते बचाते इंसाफ को नहीं बचा पाता। ऑर्डर, ऑर्डर। उस फैसले के बाद जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वो फैसला है, आपका कानून है। अगर उस दिन सुरेश ठाकुर को बाइज्जत रिहा न किया जाता तो प्रोफेसर प्रभात वर्मा का घर बर्बाद न होता, उसकी मां का खून न होता, उसकी बहन का बलात्कार न होता, वो आत्महत्या न करती। योर ऑनर, उस दिन अगर सुरेश ठाकुर जैसे भयानक जानवर को इस शहर में खुला न छोड़ दिया जाता तो प्रोफेसर प्रभात कुमार वर्मा जैसे शरीफ आदमी को एक कवि को हाथ में पिस्तौल उठाकर खूनी न बनना पड़ता। ऐसा हुआ था तो प्रभात कुमार ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? बताने से क्या होता, फिर कोई मंत्री आकर गवाही देता कि वो बंबई में नहीं दिल्ली में था?
या कोई सरकारी डॉक्टर आके साबित कर देता कि सुरेश ठाकुर अपने पांचों साथियों के साथ किसी अस्पताल में बेहोश पड़ा अपना इलाज कर रहा था, और जो अस्पताल में है वो प्रोफेसर के घर कैसे हो सकता है? मिस देशमुख, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जिस आदमी को एक बार इंसाफ ना मिले वो दूसरी बार कानून के पास आने के बजाय कानून को अपने हाथों में ले ले, एक पिस्तौल लेकर निकल पड़े और जब चाहे जिसका चाहे खून कर दे? योर ऑनर, प्रभात कुमार ने खून नहीं किए हैं, गुंडों को सजा दी है, इंसाफ किया है, एक जज का अधूरा काम पूरा किया है। अगर लोग इसी तरह हाथों में पिस्तौल लेकर जज बनने लगे तो गली गली में रॉबिनहुड पैदा हो जाएंगे, हर तरफ लोग खून की होली खेलते हुए नजर आएंगे, और कोई भी सरकार कोई भी समाज इस बात की इजाजत नहीं देता कि गुंडागरी को एक और गुंडागरी से रोका जाए। मिस देशमुख, कानून हाथ में लेना जुर्म है और जुर्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं भी तो यही कहता हूं जज साहब, की सजा जरूर मिलनी चाहिए, इसीलिए तो मैंने अपने आप को कानून के हवाले किया है, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, कानून अपना फर्ज पूरा करे। इसके लिए कानून को अगर मेरी जान की जरूरत है तो वह हाजिर है, फांसी का फंदा मैं खुद अपने गले में डाल लूंगा। बस एक प्रार्थना है आपसे, बड़ी तपस्या और बलिदान के बाद हमारे इस देश को आजादी मिली है, ऐसा कुछ कीजिए कि इस आजादी को हमसे कुछ छीनने ना पाए, कोई गुंडा इसका बलात्कार ना कर सके, आने वाली संतानें अपने आजाद देश में आजादी की सांस ले सके, बिना डर के जिंदा रह सके, और कानून को इतना मजबूत बना दीजिए कि फिर कभी किसी प्रभात को पिस्तौल का सहारा ना लेना पड़े, इसके बदले मौत भी मिलेगी तो प्रसाद होगी, भारत माता का आशीर्वाद होगा। The court is adjourned. I'm sorry, Papa. इसमें सॉरी की क्या बात है? तुम्हारी बदौलत मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, मुझे तुम पे नाज है। डैडी, हेलो डैडी। हेलो बेटी। तुमसे कई बार कहा है कि अदालत की परेशानियां घर पे नहीं लाया करो। क्या करूं भाई, काम ही ऐसा है, इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल होता है। आजकल रॉबिनहुड का केस चल रहा है। बात तो ठीक है, जब से वो आया है शहर में अमन हो गया है, नहीं तो जब तक रेनू कॉलेज से नहीं आ जाती थी मुझे तो डर लगा रहता था। जरा सोचिए योर ऑनर, आपकी बेटी कॉलेज से घर आ रही है, रास्ते में गुंडा उसे देख लेता है, वो भागती है, गुंडा उसका पीछा करता है, उसको पकड़ लेता है, उसका बलात्कार करना चाहता है, आपकी बेटी मदद के लिए पुकारती है, उसकी चीखें सुनसान सड़कों से टकरा कर वापस आ जाती है, वो थक कर जमीन पर गिर जाती है और गुंडा उसके कपड़े उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और अचानक एक गोली चलती है, भगवान की तरह वहां कोई आ जाता है, गुंडा मारा जाता है और एक दुनिया उजड़ते उजड़ते रह जाती है, एक जिंदगी बर्बाद होते होते बच जाती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं योर ऑनर, क्या आप बचाने वाले को सजा देंगे, उसे खूनी समझेंगे, उसे गुनहगार और अपराधी ठहराएंगे? तुम कहना क्या चाहती हो योर ऑनर? प्रभात कुमार मुजरिम नहीं है, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो कानून की हिफाजत के लिए किया है, आपको आपको और आपको बचाने के लिए किया है, और ये साबित करने के लिए मैं इंस्पेक्टर शफी को एक गवाह के रूप में पेश करने की इजाजत चाहती हूं। इंस्पेक्टर शफी, मैं कसम खाकर कहता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। जब आपको कमिश्नर साहब ने बुलाया और रॉबिनहुड का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया
तब आपने क्या कहा? मैंने यही कहा कि रॉबिन हुड तो पुलिस का काम कर रहा है और पुलिस से अच्छा काम कर रहा है। जो काम हम पिछले 25 वर्षों में नहीं कर पाए वो उसने 10 दिन में करके दिखाया। कैसे, क्या किया उन्होंने? इन्होंने गुंडों के दिलों में डर दहशत पैदा कर दी है। आज शहर में अपराध कम हो रहे हैं, क्राइम रेट गिर गया है, हर आदमी सुकून और शांति की नींद सो सकता है आज। जब आप प्रभात कुमार को गिरफ्तार करने गए तो क्या वो भाग खड़े हुए? जी नहीं, बल्कि मैंने इनसे कहा यह शहर छोड़कर भाग जाइए। इन्होंने भागने से इनकार किया और कहा समाज में सारी गड़बड़ियां सिर्फ इसलिए चल रही हैं कि पुलिस अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही, कानून अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहा। मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं जिससे कि मेरी आवाज अदालत के जरिए लोगों तक पहुंच सके और मैं बता सकूं कि मेरी पिस्तौल से निकली गोली का काम सिर्फ अपराधियों को मारना ही नहीं कानून को जगाना भी था। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। और यह कहकर प्रभात कुमार ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। आपने प्रभात कुमार को भाग जाने के लिए क्यों कहा? योर ऑनर, प्रभात कुमार ने रॉबिनहुड बनकर गुंडों के दिलों में जो डर जो आतंक पैदा कर दिया था, मैं उस डर को जिंदा रखना चाहता था, उस रॉबिनहुड को जिंदा रखना चाहता था जो लोगों की रक्षा करता रहा। इंस्पेक्टर शफी, हालात कुछ भी रहे हो आपको अपना फर्ज अदा करना चाहिए और आपका फर्ज खूनी को पकड़ना है, उसका इंसाफ करना या उसे छोड़ देना नहीं। इस गलती के लिए आपको सस्पेंड कर देना चाहिए ताकि दूसरे अफसर से नसीहत लें और कभी ऐसी गलती ना करें। थैंक यू योर ऑनर। इंस्पेक्टर शफी ने और एक गलती की है, सच बोलने की गलती, यह बताने की गलती कि उन्होंने प्रभात कुमार को भाग जाने की सलाह दी। प्रभात कुमार ने भी यही गलती की थी, सच बोलने की गलती, अपने आप को कानून के हवाले करने की गलती, जबकि अदालत के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। मिस रजनी, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि प्रभात कुमार ने भरी अदालत में यह बयान दिया है कि वो सारे खून इन्होंने किए हैं। अगर अदालत में दिया हुआ बयान ही सब कुछ है तो मैं इस गीता पर हाथ रखकर बयान देने के लिए तैयार हूं कि ये सारे खून मैंने किए हैं। तो क्या प्रभात कुमार को छोड़ देंगे और मुझे सजा देंगे? काश ऐसा हो सकता, लेकिन मैं ये झूठ भी नहीं बोल सकती क्योंकि इस कटहरे में खड़ा हुआ एक सच्चा इंसान अपने बचाव के लिए किसी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहता। जज साहब, जरा गौर से देखिए, ये वही सीधा साधा प्रोफेसर है जो इलाहाबाद से बंबई आता है, यहां की गुंडागर्दी देखकर घबरा जाता है, पुलिस के पास जाता है, कोई मदद नहीं मिलती। एक मालदार गुंडा एक शरीफ लड़की का बलात्कार करता है, उसकी हत्या कर देता है, प्रभात कुमार कानून का दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खुलता है, लेकिन वहां झूठी गवाही की जीत होती है, सच हार जाता है। कानून का फैसला गुंडों को शाबाशी देकर उनकी हिम्मत बढ़ाता है, नतीजा वही गुंडा एक करोड़पति स्मगलर का भतीजा उस प्रोफेसर को सबक सिखाने के लिए 5 और गुंडों को लेकर उसके घर पहुंच जाता है और उसके बाद एक बेटी की आंखों के सामने उसकी मां की हत्या कर दी जाती है। एक एक करके 6 गुंडे उसकी बहन का बलात्कार करते हैं, वो मासूम भैया भैया पुकारती रहती है लेकिन रस्सियों में बंधा हुआ भैया कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं, वो शर्म से ऊपर से कूद कर अपनी जान दे देती है और उसका छोटा सा घर शमशान बन जाता है। और ये सब सिर्फ इसलिए कि प्रभात कुमार ने गुंडों की शिकायत की थी, कानून का दरवाजा खटखटाया था, पुलिस और कानून की मदद मांगने की इतनी बड़ी सजा। कानून तो सिर्फ एक बार फांसी देता है लेकिन उस रोज 6 गुंडों ने इन्हें बार बार फांसी के फंदे पर लटकाया था। कुर्सी से बंधे उस खिलौनी करतूत को देखने की सजा हजारों सालों की जेल से कहीं ज्यादा थी। उस सजा के बाद प्रभात कुमार जीना भूल गया, हंसना भूल गया, रोना भूल गया, प्यार करना भूल गया। मैं पूछती हूं दुनिया की कौन सी अदालत प्रभात कुमार को इससे बड़ी सजा दे सकती है? योर ऑनर, अगर आप प्रभात कुमार को कुछ देना ही चाहते हैं तो उसे उसकी मां दे दीजिए, उसकी बहन दे दीजिए,
वो मुस्कुराहटें दे दीजिए जो मिट चुकी है, वो दिल दे दीजिए जो प्यार करता था। मगर आपका कानून ये सब कुछ नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो मौत, सिर्फ मौत। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में अपराध और अराजकता बढ़ती चली जा रही है। अब सवाल यह है कि हम और आप इस अराजकता के लिए क्या कर रहे हैं? चुपचाप देखते रहना या कानून और सरकार को गालियां देना इसका इलाज नहीं, और नहीं इसका इलाज कानून को हाथ में लेकर लोगों का खून करना है। दोनों रास्ते गलत है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग साथ मिलकर अपने देश को मजबूत करें, कानून को मजबूत करें, पुलिस को मजबूत करें, जिससे हमारे देश से अपराध और अराजकता कम हो सके और हम हर एक के साथ सही इंसाफ कर सके। प्रभात कुमार के साथ भी सही इंसाफ होना चाहिए। कानून का तकाजा है कि उन्होंने जो जुर्म किया उसकी सजा उन्हें मिले। इसलिए यह अदालत प्रभात कुमार को उम्र कैद की सजा देती है। लेकिन जिन हालात में ये खून हुए उन हालात में किसी भी इंसान का मानसिक या दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। प्रभात कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसलिए यह अदालत इंसानियत और इंसाफ की मांग को पूरा करते हुए सरकार से यह दरखास्त करती है कि उनको और उनकी सजा को माफ कर दिया जाए, ताकि प्रभात कुमार एक बार फिर से अपनी टूटी हुई जिंदगी को समेट कर सही मायनों में एक अच्छे नागरिक की तरह जी सकें।